को छोड़कर। मास्टर कलीम साहब कि प्यासे ही रहोगे साकी कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सास समंदर निचोड़कर। कि प्यासे ही रहोगे साकी कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सास समंदर निचोड़कर। और कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी, कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूले पाक के कदमों से जोड़कर, रिश्ता रसूले पाक के कदमों से जोड़कर। नबी की महफिल में बैठे हुए बहुत अच्छे लोग हैं आप हजरात, माशाल्लाह आपकी समातें बहुत अच्छी है। अब आप हजरात बिल्कुल ना घबराएं, मरकबत का एक शेर दादा मोइन अख्तर साहबुल्लाह के हवाले से, फिर उसी लहजे से आपकी मुलाकात। जिस लहजे को अगर समंदर के दरमियान खड़ा कर दिया जाए नबी के नाद पढ़ने के लिए, तो हम मछलियाँ सुभान अल्लाह माशाल्लाह की सदाएं देती है। अगर पत्थरों के चट्टान को खड़ा कर दिया जाए नबी के नाद पढ़ने के लिए, तो वहां से भी सुभान अल्लाह माशाल्लाह की सदाएं होती है। अब आप समझ गए होंगे, सोच लिए होंगे वो कौन सा लहजा है जिसके बारे में कहा जा रहा है। बस शेर सुने, अभी आप रात देख रहे हैं कि मिंबर शरीफ के नूरानी रहल पर करम फरमा खतीब अहले सुन्नत नकीब आज़म हिंदुस्तान दादा मोइन अख्तर साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, उनके हवाले से मुनकबत का शेर कि अली का लाडिला तेवर दिखा के चलता है। कायनात के शहजादे की बात चल रही है, करबला शरीफ के हवाले से बात चल रही है। आप हजरात अगर करबला शरीफ से मोहब्बत रखते हैं तो आप हजरात हाथों को लहराकर बोलेंगे सुभान अल्लाह, जोरदार कहेंगे सुभान अल्लाह कि अली का लाडिला तेवर दिखा के चलता है। आप भी अपना तेवर जरा बुलंद आवाज से दिखाएं कि अली का लाडिला तेवर दिखा के चलता है, शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है। अली का लाडिला तेवर दिखा के चलता है, शहीद हो के भी अब नहीं बोलोगे तब मेरे 40वां में बोलोगे सुभान अल्लाह। जल्दी जल्दी कहा करें सुभान अल्लाह, ऐसा लग जाए कि आप लोग सुनने वाले लोग बैठे हैं कि नहीं भाई। कि दीवारों पर सजाए सरकार आए हैं, मिलकर खुशी मनाए सरकार आए हैं। दीवारों पर सजाए सरकार आए हैं, मिलकर खुशी मनाए सरकार आए हैं। और बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, कि बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आए हैं, मक्का शरीफ जाओ सरकार आए हैं। और सुन्नत जिब्रील की बात नहीं है ये, सुन्नत जिब्रील की बिदात नहीं है ये, झंडा हरा लगाओ सरकार आए हैं, झंडा हरा लगाओ सरकार आए हैं। बड़ा ताकीर बादशाह शायर हिंदुस्तान भाई नूर आलम नूरी से भी गुजारिश कराओ, आवाज कहाँ से लाऊं, ताजमहल तो है मुमताज कहाँ से लाऊं, कुछ जैसे मिलती जुलती आवाज कहाँ से लाऊं, ताजमहल तो है मुमताज कहाँ से लाऊं। और चूलिया किसी फनकार के हाथों में, चूलिया किसी फनकार के हाथों में, वरना ये पत्थर भी कहीं ताजमहल होता। कुर्बान जाए मतलब कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुझे देख मिटाने आए हैं, मुझे देख मिटाने आए हैं, दीवाना बनाने आए हैं, मुझे देख मिटाने आए हैं, मुझे देख क्या बात है भाई सुभान अल्लाह, भाई सुभान अल्लाह अच्छा बहुत अच्छा, क्या बात है भाई जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि नफरत को मिटाने आए हैं, देवाना बनाने
नफरत को मिटाने आए हैं, नफरत को दुश्मन को भी अपने सीने से, दुश्मन को भी अपने सीने से सरकार लगा नारे सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे अपने सीने से सरकार लगाए हैं, नफरत को मिटाने आए। बहुत अच्छा भाई चचा भैया, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। दुश्मन को भी अपने सीने से सरकार लगाए हैं, नफरत को मिटाने आए हैं। शेरों ने कहा ये आपस में, वाह वाह बकरी को क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुश्मन को अपने सीने से सरकार लगाए हैं, नफरत को मिटाने आए। क्या बात है, क्या बात है, जवाब नहीं भाई। सुना होगा कि एक खिलमी जो है, एक शिकारी जो है कैद कर लेता है, लेकिन उसकी जमानत मेरे सरकार देते हैं। और खिलमी आती भी है शेर के जरिए समाज समाज और एक मर्तबा बड़े सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खिलमी ने कहा बच्चों से फिर फिर मुझे हाय हाय हाय, कहा ये बच्चों से
से दो दो पिलाने सरकार की आमद, उस्तार की आमद, अव्वल की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत।